दिन के 11 बज रहे हैं और वक्त हो गया है आपको 100 खबरें तेज रफ्तार से। मेघालय में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण, कॉनरेड संगमा ने सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल हुए, बीजेपी शासित पूर्वोत्तर राज्यों की सीएम भी मौजूद। राजनाथ सिंह ने कॉनरेड संगमा को दी बधाई, कहा लोगों की धारणा अब बदल जाएगी। मेघालय में 5 दलों और 1 निर्दलीय के समर्थन से एनडीए की सरकार बनी, कॉनरेड मंत्रिमंडल में बीजेपी के 1 विधायक को भी जगह मिली। त्रिपुरा में चुनाव नतीजों के बाद हंगामा, बुलडोजर से गिराई गई लेनिन की मूर्ति। त्रिपुरा में कई जगह हिंसक झड़पें, संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने त्रिपुरा के राज्यपाल से बात की, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। त्रिपुरा के अगरतला में सीपीएम के दफ्तर में आग लगाई गई, करारी हार के बाद सीपीएम ने समीक्षा बैठक भी की। बीजेपी नेता जेपी नड्डा और अरुण सिंह ने नागालैंड के गवर्नर से मुलाकात की, बीजेपी के सभी विधायक भी मौजूद। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों में मिली जीत का जश्न, पीएम ने आडवाणी को खिलाई मिठाई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम के पहुंचते ही सांसदों ने नारे लगाए, जीत हमारी जारी है, अब कर्नाटक की बारी है। पीएनबी घोटाले को लेकर कांग्रेस सांसद का संसद परिसर में प्रदर्शन, नारेबाजी में राहुल गांधी भी शामिल। राज्यसभा के लिए हिमाचल बीजेपी ने जेपी नड्डा के नाम का प्रस्ताव भेजा, 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है कार्यकाल। चीन ने ढोकलाम में विवादित जगह से 4 किलोमीटर दूर 1.3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया, सूत्रों के हवाले से खबर। ढोकलाम के पास कई इलाकों में चीन ने पेट्रोलिंग बढ़ाई, चीन के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर लगा रहे हैं गश्त। गुजरात के भावनगर में नाले में ट्रक गिरा, 25 से ज्यादा लोगों की मौत। हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, करीब 70 लोग ट्रक पर सवार थे। पीएम मोदी आज सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, दिल्ली के मुनिरका में बनाई गई है इमारत। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर के सामने आंध्र प्रदेश के छात्रों का प्रदर्शन, आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। श्री श्री रविशंकर के बयान पर बोले आजम खान, मुस्लिम पक्ष ने नहीं मंदिर पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनी। राहुल गांधी एक बार फिर 3 दिन के विदेश दौरे पर, 8 और 9 मार्च को सिंगापुर में रहेंगे, 10 मार्च को मलेशिया जाएंगे। राजनीति में एंट्री की बात पर रजनीकांत ने किया एमजी रामचंद्रन का जिक्र, कहा वो भी एमजीआर जैसी सरकार दे सकते हैं, ईश्वर उनके साथ है। रजनीकांत ने कहा जयललिता नहीं रही, करुणानिधि बीमार हैं और ऐसे में तमिलनाडु की राजनीति में आए खालीपन को वो भर सकते हैं। कर्नाटक में बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे का सिद्धरमैया पर आरोप, गौरी लंकेश हत्या मामले में हिंदू युवाओं को फंसा रही है सरकार। जम्मू कश्मीर में अवंतीपुरा में एक आतंकी ढेर, मुठभेड़ में जैश का आतंकी मारा गया, पुलिस और सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने साथियों की मुठभेड़ पर किया प्रदर्शन, 2 बस और 3 ट्रक में आग लगाई। आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदम्बरम की पेशी आज, सीबीआई रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। एससीसी मामले में छात्रों का आज भी प्रदर्शन जारी, पिछले 8 दिन से धरने पर है। कर्नाटक में बीजेपी नेता पर कर्मचारी से मारपीट का आरोप, धारा 307 के तहत केस दर्ज। दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस की पूछताछ, आम आदमी पार्टी के अयोग्य करार दिए गए विधायक नितिन त्यागी से किए गए 100 सवाल। दिल्ली के बवाना में 2 गुटों में झड़प, कुछ लोगों की डंडों से पिटाई, फायरिंग में 1 व्यक्ति घायल। बवाना में हिमांशु नाम के व्यक्ति पर हमला हुआ, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिया, सुमित और उसके साथियों की तलाश में पुलिस जुटी। मुंबई के अमरनाथ इलाके में बदमाश ने एक युवक को गोली मारी, युवक के साथ आई लड़की का रेप किया। मुंबई में फिक्की फेस्टिवल का आयोजन, फिल्मों से राज्य के टूरिज्म को बढ़ाने को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र में प्लास्टिक और थर्मोकॉल बैन करने की तैयारी, पर्यावरण मंत्री ने प्लास्टिक एसोसिएशन के लोगों से बात की। गोरखपुर और फूलपुर में लोकसभा उपचुनाव लड़ रहे 25% उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज, एडीआर की रिपोर्ट। यूपी के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव ने किया सरेंडर, हत्या के प्रयास के मामले में जेल भेजे गए। शाजापुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के अधिकारियों ने उतारी उनकी आरती, जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे डीएम और एडीएम। यूपी के मुरादाबाद में दहेज के लिए पत्नी पर फेंका तेजाब,
हालत नाजुक, पति पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप। मुजफ्फरनगर में बदमाशों से मुठभेड़, वाहन चोर गिरोह का 25,000 का इनामी बदमाश घायल, दो बदमाश फरार। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह के अचानक सीतापुर पहुंचने से हड़कंप, जिला के एसपी और थाना अध्यक्षों से मुलाकात की। यूपी के सहारनपुर में ग्राम प्रधान ने के घर दबिश के लिए गई पुलिस पर पथराव, घर में बिना महिला कांस्टेबल के घुसने का आरोप। नोएडा में सामूहिक विवाह आयोजन में घोटाला, 10 जोड़ों की दोबारा शादी कराई गई। यूपी के रामपुर में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया, किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। यूपी के हापुड़ में आग से ट्रक जलकर खाक, पास पड़े कूड़े से ट्रक में आग लगी थी। यूपी के झांसी में 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लाखों का सामान भी बरामद। रमेटी में बीएसपी नेता से 50 लाख फिरौती की मांग, पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, केस दर्ज। रायबरेली में फर्जी लेखपाल को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, नौकरी दिलाने का झांसा देता था। यूपी के बरेली में 28 जनवरी से लापता महेंद्र का शव मिला, भाई ने मृतक की पत्नी और बेटी पर हत्या कराने का आरोप लगाया। मुंबई में बेकाबू ट्रक पुल पर लटका, ब्रिज पार करते वक्त हादसा हुआ। महाराष्ट्र के थाने में बदमाशों ने युवक की हत्या की, महिला साथी ने गैंग रेप का आरोप लगाया। गुरुग्राम में चोर उखाड़ कर ले गए एटीएम, 3 दिन में एटीएम लूट की तीसरी वारदात। बिहार के भोजपुर में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफॉर्मर में आग लगी, कई घंटों तक बिजली ठप होने से लोग परेशान। बिहार के मुंगेर में जेल में पुलिस की छापेमारी, कैदी वार्ड से 3 पेन ड्राइव और चिप बरामद। बिहार के बगहा में दहेज प्रथा के खिलाफ खड़े हुए लोग, 22 जोड़ों की कराई सामूहिक शादी, 1 साल तक लोगों से मांगी मदद। बिहार के फरबीसगंज में गाड़ियों की टक्कर, 1 महिला 1 बच्चा समेत 5 लोगों की मौत, 4 घायल अस्पताल में भर्ती। पटना में बदमाशों ने लड़की पर तेजाब फेंका, पहले भी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं आरोपी। बिहार में बेगूसराय के चंद्रभागा नदी में नाव पलटी, 4 बच्चों की मौत, 7 बच्चे घायल। झारखंड के देवघर में 17 साल के युवक ने खुदकुशी की, 2 दिन बाद 11वीं की परीक्षा होने वाली थी। झारखंड के चतरा में छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक पर कार्रवाई, शिक्षा अधीक्षक ने निलंबित किया। झारखंड के सिमडेगा में 20 लाख के गहने चोरी, आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। एमपी में बीजेपी को झटका, रीवा से पूर्व बीजेपी विधायक अभय मिश्रा ने बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस में शामिल। राजस्थान के चुरू में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 की हालत नाजुक। राजस्थान के कोटा में छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को भेजा गया जेल, नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया था। राजस्थान के कोटा में व्यापारी के कर्मचारी से 25 लाख की लूट, 2 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान की बूंदी में डॉक्टर को जान से मारने की धमकी, आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर थाने के बाहर धरना। अजमेर में महिला ने तेजाब पीकर खुदकुशी की, ससुराल वालों पर तंग करने का आरोप। मुरैना में परीक्षा देते 5 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए, सभी को थाने भेजा गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में महिला से छेड़छाड़, आरोपी मनचले की, लोगों ने पिटाई की। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गोवंश की तस्करी, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के देवास में सहकारी बैंक में 10 लाख की हेराफेरी, ब्रांच मैनेजर पर आरोप, जांच शुरू। मध्य प्रदेश के सागर में सहकारिता कर्मचारी का प्रदर्शन, राज्य सरकार के समान वेतन और तबादला नियम लागू करने की मांग। मध्य प्रदेश के सागर में 8,64,000 कीमत का 1 क्विंटल गांजा बरामद, इंजीनियर समेत 2 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल में कार ट्रक से टकराई, कार की पेट्रोल टंकी फटी, 4 लोगों की जलकर मौत। पंजाब में तेजाब पीड़ित महिला को हर महीने 8,000 पेंशन मिलेगी, महिला और बाल विकास विभाग ने मंजूरी दी। हरियाणा के फरीदाबाद में 13 साल की लड़की से रेप, पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार किया। गुजरात के सूरत में एक लड़की और साथियों का वीडियो वायरल, हाथ में धारदार हथियार लिए लड़की साथियों के साथ गुंडागर्दी करती नजर आ रही है। वडोदरा में गरीबों को समय पर घर न देने पर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन, नाराज लोगों ने साइट ऑफिस पर तोड़फोड़ की। हैदराबाद में एक व्यक्ति पर बेटी को जबरन सेक्स रैकेट में धकेलने का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में घर में चोरी का पुलिस ने खुलासा किया, पीड़ित के रिश्तेदार ने की चोरी, लाखों के कर्ज में डूबा हुआ था आरोपी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में नेशनल हाईवे को ठीक करने की मांग तेज, निर्माण कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांगा।
जलपाईगुड़ी में रास्ता पार करते समय नहर में फंसा हाथी, वन विभाग के कर्मचारियों ने जान बचाई। राजौरी के जनजातीय इलाके में छात्रों की परेशानी होगी, कम 100 से ज्यादा स्कूल की इमारतें बनेंगी। चीन में तूफान से भारी नुकसान, एयरपोर्ट सहित सड़क किनारे लगे पेड़ भी गिरे।